दोस्तों, क्या आपका कभी दिल टूटा है? क्या आपने कभी शिद्दत से किसी को प्यार किया हो और वो आपको धोखा दे के चले गया हो? मतलब एकदम शिद्दत वाला प्यार, और उसके बाद भी वो आपको छोड़ के चले गया हो? तो दोस्तों, ये अक्सर हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम किसी को एकदम दिल से चाहें और वो हमको धोखा दे देता है या छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, हमको उससे आगे बढ़ना होता है और हमारी पूरी आगे ज़िंदगी पड़ी होती है। इसलिए हमको सब कुछ भूल कर, सब कुछ भुला कर आगे बढ़ना होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ इसलिए मेरे लिए बोलना बहुत आसान है कि हमको सब कुछ भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, मैं मानती हूँ जो सच में उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं या उस चीज़ में होते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ना। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ हमारे सोच पे निर्भर करता है। अगर हम सोच ले कोई चीज़ मुश्किल है तो वो मुश्किल हो जाती है, और अगर हम सोच ले कि कोई चीज़ है ही नहीं, वो आसान है या हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है ज़िंदगी में जो ना हो सके। दोस्तों, मैं आज आपको 5 तरीके बताऊंगी कि आप ब्रेकअप के बाद आगे कैसे बढ़ें। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लोगों का ब्रेकअप होता क्यों है, हम एक दूसरे से अलग होते क्यों हैं, और ऐसी क्या बात होती है जो एक इंसान एक दूसरे से पहले बहुत प्यार करते हैं और फिर एक साथ रहना भी नहीं चाहते, एकदम अलग हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, वो अभी हम बात करते हैं इस बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी 5 आसान तरीके कि आप उस चीज़ से आगे कैसे बढ़े। ये सब मैं आपको उसी हिसाब से बताऊंगी जो मैंने देखा है लोगों में, अपने दोस्तों में देखा है, और मेरे भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसा क्यों होता है। तो मेरे जो मैंने देखा है कि ब्रेकअप के रीजंस क्या होते हैं, ब्रेकअप के कारण क्या होते हैं, तो या तो चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या वो नॉर्मल रिलेशनशिप हो, मेन जो मेरे हिसाब से कारण होता है वो होता है समझना। एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और जब वो दोनों इंसान आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंडिंग नहीं अच्छी होती है, तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये होता है ना, अक्सर हम किसी को नहीं समझते तो हम उसके साथ नहीं रहना चाहते, या अगर हम देखते हैं कि वो हमको नहीं समझ रहा है तो हम उसके साथ रह नहीं पाते। तो ये एक रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है कि कोई हमको धोखा दे दे, चाहे उस रिलेशनशिप में लड़का हो या लड़की हो, कोई भी एक दूसरे में से किसी को धोखा दे देता है तो फिर ब्रेकअप हो जाता है, अलग हो जाते हैं। एक रीज़न और क्या हो सकता है, या तो झूठ बोलना। अगर आप किसी से झूठ बोलो, झूठ तो ज़्यादा देर तक छुपता नहीं है, कभी ना कभी तो वो सामने आता ही है, और जब वो बहुत टाइम के बाद या फिर कभी भी सामने आता है तो इंसान वो सह नहीं पाता है, तो झूठ से भी ब्रेकअप हो सकता है। एक होता है कि लड़का भी साथ में रहना चाहता है, लड़की भी साथ में रहना चाहती है, फिर भी ब्रेकअप हो जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों? इसका कारण है कि उन दोनों में वो बात नहीं करते, वो कम्युनिकेशन गैप है। अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप अपने दिल की बात उन्हें नहीं बता रहे हो, या आपको नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्या लगता है, आपके बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, आप दूसरों को समझ नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप दोनों एक टाइम के बाद अलग हो जाओगे। तो एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे से लोग अलग हो जाते हैं और ब्रेकअप हो जाता है। तो दोस्तों, इससे अब आगे कैसे बढ़ें? ब्रेकअप तो हो गया, अब आगे कैसे बढ़ें? तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हुआ उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। जो भी हुआ उसको स्वीकार नहीं कर पाते हम, हमारे साथ क्या हुआ। अगर बाय चांस मान लो किसी ने आपको धोखा दे दिया, ठीक है, हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते और हम लगे रहते हैं कि नहीं, हमें तो वही इंसान वापस चाहिए, हम कुछ भी अपने आप को नीचे गिरा देते हैं, हम अपने हर एक चीज़ वो कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम पूरी कोशिश में जुटे रहते हैं कि हम उस इंसान को बस वापस ले आए। हम उसके लिए अपनी सेहत को इफ़ेक्ट कर देते हैं, हम अपनी सेहत ख़राब कर देते हैं, हम अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाते हैं हम वो नहीं समझ पाते, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते जो भी हुआ और ना ही आगे बढ़ पाते। तो सबसे पहले तो स्वीकार करो, जो हुआ वो हुआ, उसको होना था इसलिए वो हुआ। कभी कभार कुछ चीज़ें वो हो, हमें उस टाइम के लिए लगता है कि बहुत बुरी होगी हमारे साथ, सबसे दुनिया की सबसे बुरी चीज़ हमारे साथ ही हुई, या फिर भगवान हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है, ये वो हमारे दिमाग में सब बुरे ख्याल आते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी बात मानो, सच में आपको कुछ समय बाद, आप उसी से 4, 5, 6 साल बाद आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा आपके साथ जो हुआ था बिल्कुल सही हुआ था, और मेरी बात मानो, आपको उस बात पर हंसी भी ज़रूर आएगी कि जो भी हुआ आपको सब मजाक लगने लगेगा। तो
आप थोड़ा सा टाइम दो और उस चीज़ को स्वीकार करो, ये आपको एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक चीज़ के लिए। दूसरी चीज़, खुद से प्यार करो। दोस्तों, हम दूसरों को प्यार करने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हमको हर कोई छोड़ देगा। मैं रिपीट करती हूँ ये चीज़, हर कोई छोड़ देगा हमको, लेकिन हमारे साथ जो रहेगा वो है हम खुद। हमारे भले में बुरे में हम खुद अपना साथ कभी नहीं छोड़ सकते, ना छोड़ेंगे। हम अपने साथ रहेंगे, कोई भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। जो रहेगा हम हमारे साथ, हमारी सोच रहेगी, तो उस चीज़ को क्यों ना पॉजिटिव करें, हम खुद से क्यों ना प्यार करें। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ, मैं बस बोलना आसान है कि हम खुद से प्यार करें, अभी आपका ब्रेकअप हुआ है और मैं कह रही हूँ कि सबको छोड़ो, खुद से प्यार करो। आपको लग रहा होगा ये बहुत मुश्किल है। दोस्तों, मुश्किल है, पर ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमने ये मुश्किल मान लिया है ना, ये मुश्किल हमने मान लिया है, हमारे लिए है, इसलिए मुश्किल है। तीसरी चीज़ है, और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि हमको पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें सब कुछ सही सोचना चाहिए। हमारा जो मन होता है, हमारी जो सोच होती है, हमें इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच आती है, और मतलब हम इतना नेगेटिव सोच लेते हैं कि हम एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम एकदम बुरा फील करने लगते हैं और खुद के बारे में एकदम बेकार की चीज़ें सोचने लगते हैं। तो हमें वो नहीं करनी है। अगर हम अंदर से खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो वो हमको कभी भी कोई गलत काम करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। चौथी चीज़ दोस्तों, कभी भी ये चीज़ आप कभी भी गलती से भूल कर भी मत करना। कभी भी किसी और के पास सलाह लेने मत जाओ कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया कि अब आप क्या करो। वो आपको हमेशा ही नेगेटिव कर देंगे, हमेशा ही आपको ऐसी चीज़ बोलेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, मेरी ही गलती थी, मैं ही एक बुरा इंसान हूँ। अगर आप मान लो आपके दोस्त के पास जाओगे, वो बोलेगा हाँ, तू ही था या तू ही थी, ऐसे लड़ती रहती थी, लड़ता रहता था, या तेरे में ही कोई कमी थी। सब कोई आपको ब्लेम करेगा या फिर कुछ भी ऐसा बोलेगा जो सही नहीं होगा। कोई भी नहीं जानता कि आप दोनों के बीच में क्या था। आखिरी चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी दोस्तों, कभी भी भूल कर भी अपने आप को गलत चीज़ों में मत डालो। भले वो नशे की आदत हो, शराब हो, स्मोकिंग हो, या लोग क्या करते हैं, गलत आदत ऐसे कर लेते हैं, जिमिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको लगेगा जिमिंग गलत कैसे आदत हो सकती है, या जिम करना कैसे गलत हो सकता है। अगर आप सही तरीके से जिम कर रहे हो, या आप उतना ही जिम कर रहे हो जितना आपकी बॉडी को चाहिए, फिर तो ठीक है। लेकिन हमारे जो हमारी यूथ है, हमारे जो लड़के हैं, वो क्या करते हैं, इतना ज़्यादा कर लेते हैं जिम गुस्से में, या फिर जब कभी ब्रेकअप होता है, किसी को दिखाने के लिए कि मैं उसको अब दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ, या फिर मैं चेंज होके दिखाऊंगा। आपको चेंज किसके लिए होना है? उसके लिए जो आपको छोड़ गया? नहीं, आप खुद के लिए बनो जो बन रहे हो। वो इतना करने लगते हैं, स्टेरॉइड्स लेने लगते हैं, या फिर इतनी हैवी एक्सरसाइज करने लगते हैं कि उन्हीं को एंड में जाके नुकसान होगा जिस चीज़ का। तो गलत चीज़ें कभी मत करो। कभी दारू, नशे, इन सब चीज़ों से हटने के लिए अगर आप ये करोगे ना, तो ये आपकी पर्सनालिटी को गिराएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी मदद कर सकती है आगे बढ़ने के लिए। और दोस्तों, फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, सब कुछ कहाँ डिपेंड करता है, हमारी सोच पर। थोड़ी सोच बदलो और आप ज़रूर आगे बढ़ पाओगे इन सब चीज़ों से। किसी भी चीज़ को पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होगा। हमारी ज़िंदगी है जो बहुत खूबसूरत है, और इसलिए हमको उसको जीना तो है ही दोस्तों। चाहे अब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, सबको एक्सप्लोर करने का टाइम है। अगर कोई एक चले गया जो आपसे प्यार नहीं करता, हो सकता है कोई और हो जो आपसे बहुत प्यार करे, क्योंकि जो आप हो उसके लिए। तो दोस्तों, बुरा मत फील करो किसी भी वजह से। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो ठोक दो एक लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, और घंटे को दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आपको जिसको लगता है कि इस वीडियो को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जल्दी से जाके शेयर कर दो। हो सकता है आपको नहीं तो किसी और को ये मदद कर जाए ये वीडियो। तो दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताओ कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। हम जल्दी मिलेंगे ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक दिस इज़ दर्पिका साइनिंग ऑफ।